आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों संघ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं के साथ की बैठक, कहा बार और बेंच को मिलकर एक साथ करना चाहिए काम, बिना एक दूसरे के नहीं चल सकता है न्यायालय। चौदह अगस्त को सहजनवा में धीरज मुनि पांडे की हुई हत्या में बरामद शस्त्र के फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारक को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी मोतीलाल सिंह का राजघाट पर विधि विधान से हुआ अंतिम संस्कार। गुरुवार को देर रात कार दुर्घटना में बस्ती में हुई थी मृत्यु, अधिकारियों व भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शासन के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं न्यायिक तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में किया गया औचक निरीक्षण, कहा विद्यालय में किसी प्रकार की नहीं पाई गई कोई कमी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के छठवें दिन डॉक्टर आशीष गौतम ने कहा, विषय नहीं भाव है सेवा, सेवा के लिए संसाधन नहीं संकल्प है आवश्यक। कुशमही जंगल स्थित विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत पिकनिक स्पॉट की तरह किया जाएगा विकसित। बच्चों को ऊंट व हाथी से जंगल का कराया जाएगा शैर, डीएफओ विकास यादव ने दी जानकारी। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर कमेटी द्वारा भाजपा के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, कहा चिकित्सकों द्वारा समाज और राष्ट्र हित के किए जा रहे कार्यों की करता हूं सराहना। कोतवाली थाने पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन, कहा थाना समाधान दिवस में आए दो मामले, एक मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। मानसरोवर मंदिर पर जीएफओ विकास यादव ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने का दिया संदेश। एक शातिर चोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का एक बंडल केबल किया बरामद, भेजा जेल। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के तीसरे दिन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषा और संस्कृति पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भाषा जहां मानवीय आवश्यकता की है खोज, वही संस्कृति हमारे जीवन की है विविध रूप। शुक्रवार की रात्रि में जनपद में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली काफी राहत। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त तक छिटपुट बारिश होने की है संभावना।